हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्ट डस्टबिन आप देख रहे हो कि बीच में हमने डस्टबिन बनाई हुई है। इसका फंक्शन क्या है वो आगे हम बताएंगे आपको। पहले आपको सारा चीज़ बताते हैं इसके मॉडल में क्या क्या हमने यूज़ किया हुआ है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डस्टबिन, दो डस्टबिन हमने यूज़ किया हुआ है। एक ग्रीन कलर का है और एक हमारा ब्लू कलर में है। और ये इस डस्टबिन से देख रहे हो आप ट्रांसपेरेंट पाइप, जो पाइप है इस दो कंटेनर के साथ कनेक्टेड है, जिसके ऊपर हमारे फैन लगा रखा है। ये एक्चुअली वैक्यूम है, वैक्यूम इसका कर रहा है, मतलब डस्टबिन का जो भी हम इधर गार्बेज डाल रहे हैं वो उधर सक हो रहा है। ये ऊपर मोटर लगाई हुई है, पीछे हमने इंडस्ट्री शो किया हुआ है। और ये आसपास जो भी एरिया दिख रही है आपको, ये हमारा सारा सोसाइटी है। ये सोसाइटी शो किया हुआ हमने और यहाँ पे हमने डस्टबिन शो किया हुआ। और इसमें अब इसका वर्किंग ये है कि हमने जैसे डस्टबिन इसलिए लगाया यहाँ पे ताकि जितने भी हम इसमें गार्बेज डालें वो डायरेक्ट हमारा इंडस्ट्री में पहुँच रहा है, वो वैक्यूम पाइप के थ्रू, जो पाइप वैक्यूम लगी हुई वहाँ पर और ट्रांसपेरेंट पाइप लगाई हुई है, ताकि अब आपको दिखा पाएंगे कि इसमें कैसे अंदर जा रही है। आपको देख रहे हो कि इंडस्ट्री है शो किया हमने यहाँ पे। वर्किंग के लिए हमने इसमें टचलेस डस्टबिन है, ये टचलेस इसको हमने डस्टबिन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम कोई टच नहीं करेंगे, ये सेंसर लगाई हुई है, मैग्नेटिक सेंसर लगाई हुई है। यहाँ पे जब एक्चुअल बनेगा तो वहाँ पे मोशन सेंसर लग जाएगा या तो अल्ट्रासोनिक सेंसर लगेंगे, जिसके अंदर प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम के थ्रू चलेगा, जो कि ह्यूमन बॉडी को सेंस करके ऑटोमेटिक डस्टबिन ओपन हो जाएगा। अभी हमने स्टिक ले रखा है, आपको स्टिक दिखाते हैं। ये हमारा स्टिक है, इस स्टिक के थ्रू ये ओपन होता है। और ये हमने कुछ थर्मोकोल के बॉल ले रखे हैं, या आप यहाँ पे कुछ हल्के पेपर के टुकड़े ले सकते हो, और कुछ जैसे कि सूखी हुई पत्तियाँ, वो भी सक कर लेगा, हल्की चीज़ को सक कर लेगा। एज ए मॉडल है ये कोई प्रोटोटाइप, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोटोटाइप मॉडल बनाए हुए हमने। तो इसमें तो इतना मतलब कि जो उसका वैक्यूम पावर उतना नहीं है, ताकि जो भी डालें वो सक कर ले, ये सबको सक कर लेगा। आपको वर्किंग करके दिखाएंगे आपको। आप देख रहे हो कि ये, जैसे मैंने बताया कि इसको जो पूरा सर्किट जो चल रहा है इस पे, ये हम पावर सप्लाई ली हुई है, पावर सप्लाई ऑलरेडी हमने ऑन कर रखी है। और यहाँ से आप देख रहे हो ये वायर इसके थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा सेंसर के साथ कनेक्टेड है और मोटर भी कनेक्टेड है। अब जैसे इसमें मैग्नेट लगी हुई है, ये जो आपको स्टिक दिखी है यहाँ पे हमने मैग्नेट लगाई हुई है, और ये मैग्नेटिक सेंसर है, जब इसके पास जाएगा तो करंट पास करेगा और वो हमारा ये डस्टबिन ओपन हो जाएगी और वैक्यूम क्लीनर ऑन हो जाएगी कुछ देर के लिए। अब जैसे आप करके दिखाते हैं आपको, आप देख रहे हो अभी ओपन है, फिर बंद हो गया, मतलब ये कैम मैकेनिज्म लगा हुआ है इसके अंदर, ये भी देख रहे हो। अब इतने देर में आपको अभी इसे यहाँ पे, जैसे मैं अब इसके अंदर बॉल डाल रहा हूँ, थर्मोकोल की बॉल थोड़ा सा, अब उसमें आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे बॉल जाएगी, कुछ आपको पाइप के थ्रू भी दिखेंगे जाते हुए। जैसे हमने इसमें बॉल डाला, ठीक है, बॉल डाला तो आपको, जिसे हम चलाते हैं, आप देख रहे हो कि वहाँ पे बॉल चलेगा, इसमें बॉल नहीं है, इसमें देख रहे हो बॉल नहीं है। तो वो बॉल जो दिख रही है आपको वो साइड में है, तो उसको भी हम, मतलब वो पाइप के साइड में इसलिए सक नहीं कर पाए। बाकी जो ये प्लास्टिक के नीचे है, बाकी आपको यहाँ दिखाते हैं खोल के, आप देख रहे हो यहाँ पे आगे जो बॉल हमने वहाँ डाली हुई थी वो यहाँ पे आगे जा चुकी है। बाकी फ्रेंड्स, इसके फंक्शन आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको कैसे बनाया है, और आप लोग इसे कैसे इजी तरीके से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइए अच्छी लगी हो तो वीडियो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह का एजुकेशनल वीडियो को हेल्प मिल पाए और वो भी अपने स्कूल कॉलेज के लिए बना पाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का, जैसे बिल्डिंग इसमें है, बिल्डिंग बनाने का भी कुछ वीडियो देखनी है आपने, तो बिल्डिंग बनाने का वीडियो आप हमारे आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो बिल्डिंग कैसे बनाई हमने। बाकी तो आप लोग भी इसे इजी तरीके से बना सकते हो, किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, अदरवाइज हमारे जो डिस्प्ले नंबर है वहाँ पे भी कॉल करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो फ्रेंड्स, बताइए कैसी लगी आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये कमेंट करके जरूर बताइए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह का एजुकेशनल वीडियो को हेल्प मिल पाए और वो भी अपने स्कूल कॉलेज के लिए बना पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।